हम जो है वो पढ़ रहे हैं तो हम अब जाएंगे ऑफिस में फिजिक्स 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 केमिस्ट्री ओके अबे इंग्लिश भी बात कर सकते हैं फिजिक्स सेकंड हाफ मुश्किल हो गया था आप ये सिक्स एंगल्स बनाए सिक्स ट्रायंगल्स बनाए याद किया नहीं रखा हुआ है वो अपने 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 वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं आप ये करें हम जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन का है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है ठीक है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है आपने वीडियो डाली थी डीजे के ऊपर यस द फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स ए ऑन बी इज द एक्शन फोर्स वेयर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी एंड ऑन ए इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स अगर आप किसी बॉल को जो है वो दीवार पर मारते हैं तो जितना फोर्स आप दीवार पर अप्लाई करते हैं बॉल के साथ उतना ही फोर्स जो है वो दीवार जो है वो रिएक्शन के तौर पर अप्लाई करता है और बॉल इतना ही बाउंस करता है राइट क्या होती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन रॉकेट जो है रॉकेट में जो फ्यूल बर्न होता है वो एक्शन जो है वो जमीन की तरफ करता है और रिएक्शन के तौर पे ऊपर जाता है वो रॉकेट जो है वो ऊपर जाता है फ्यूल जलता है उसमें अच्छा बहुत ज्यादा उसमें फ्यूल जलता है अच्छा जो फोर्स एंड द मोमेंटम फोर्स जो है वो क्या है और मोमेंटम क्या होते हैं ठीक है ये जो है इसके साथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ ये पढ़ रहा है इन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी जब फोर्स जो है वो बॉडी पर एक्ट करता है इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द बॉडी एंड इन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी ये जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है जो मोमेंटम की चेंज है उस बॉडी की उतनी एक्सेलरेशन जो है उतनी होती है ठीक है ये ग्लास है ओके ये जो है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में मोमेंटम क्या होती है जो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट स्पेस में जो है जो मोमेंटम है बॉडीज की सेलेस्टियल बॉडीज की उनकी मोमेंटम जैसे अर्थ की है ये जिस मोमेंटम के साथ जिस स्पीड के साथ जा रहा है क्यों इनके मोमेंटम को रोकने के लिए कौन से फोर्सेस जो है वो नहीं है फ्रिक्शन नहीं है ठीक है और देयर इज नाउ नॉट सच ह्यूज फोर्स लाइक ग्रेविटी इज नॉट सच अ ह्यूज फोर्स के वो इसको रोक सकते हैं जो सन ग्रेविटी है ठीक है तो आपने जो है ये मोमेंटम फोर्स एक्सेलरेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये जो है आपने रीड भी करना है कल के टेस्ट के लिए भी तैयार करना है हम केमिस्ट्री में जो है वो देखते हैं केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था लास्ट रदरफोर्ड एटम आइसोटोप्स पढ़ लेते हैं हाँ अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है आप कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये वो फेनोमिनन है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एटम के पास हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटम्स के सराउंडिंग में वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स या शेल्स तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम डेफिनेशन किस तरह से करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into shells and sub shells is called electronic configuration ठीक है शादी करें इसके लिए जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि s sub shell जो है हमारे पास हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जो है वो देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो है सेंटर में ये हमारे सेंटर के पास जो है ये एटम का न्यूक्लियस है ठीक है तो हम जो फर्स्ट शेल आता है हम उसको K बोलते हैं जो सेकंड शेल आता है उसको L जो थर्ड शेल आता है हम उसको M बोलते हैं तो जैसे एक मेन रोड होता है और उसके साथ सब रोड्स होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं सब शेल्स बोलते हैं एटम्स
के सब शेल के जो है वो कितने, के शेल के पास कितने सब शेल हैं? एक सब शेल है जिसको कहते हैं एस शेल, ठीक है। और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। फिर कौन सा शेल है? एल शेल है। एल शेल में मैक्सिमम कितने सब शेल्स हैं? उसमें एस और पी सब शेल है। यहाँ पर आपने एक बात नोट करना है, जब आप एक शेल से दूसरी शेल की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, तो फर्स्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दूसरे शेल में जाते हुए आप जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो अगर फर्स्ट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 6। अगर एस जो है वो एस में अगर 2 हैं तो पी में, एस में जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने होंगे? 8, 10, 4 आपने बढ़ाना है ना। एस में 2 है, पी में 6, 10, एस पी डी, डी में कितने? 10, और एफ में 14, गुड। इसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो एग्जांपल्स हैं, जो आपके पास बुक में जो एग्जांपल्स हैं उस पर आपने प्रैक्टिस करना है, और कल के टेस्ट में जो है ये होगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम और ये सब कुछ, राइट। अब इसको जो है एक मतलब रिवाइज कर लो और देख लो कोई प्रॉब्लम है। आपने इसको बना लिए, वाले सर सर मैं